नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो तुला राशि वालों, 6 अक्टूबर 2022 से भगवान की एक नई लीला शुरू होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में खुशखबरियों का पहाड़ आपकी जिंदगी में लग जाएगा, जिसे सुनकर ही आप खुशियों से नाचने लगोगे। ग्रह गोचर भी दोस्तों बहुत अद्भुत है, बहुत निराला है। सबसे पहले यदि ग्रह गोचर पर नजर डालें तो आपको बता दें, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, घनिष्ठा नक्षत्र का निर्माण हुआ है, शुल योग बना है, सूर्य इस दिन कन्या राशि में है और चंद्रमा मकर राशि में संचार कर रहे हैं। ग्रह गोचर के नजरिए से अगर देखा जाए तो दिन आपके लिए बहुत निराला साबित होगा, परंतु दोस्तों अब इस अद्भुत ग्रह गोचर का प्रभाव आपके व्यापार पर, नौकरी पर, परिवार पर, घर संसार पर, निजी जीवन पर, बेरोजगारों पर, विद्यार्थियों पर व आपके स्वास्थ्य पर कैसा पड़ेगा, कौन कौन सी बातों का दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह ग्रह गोचर 3 बड़ी खुशखबरियों के साथ 2 बड़ी सावधानी भी दर्शा रहा है। ऐसे में दोस्तों कदम कदम पर मुसीबतें आएगी, आपको संभलना होगा, समझना होगा, ताकि आप इन्हें आसानी से पार कर सके। तो सर्वप्रथम माता रानी के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से जय माँ काली अवश्य लिखें। उसी के साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं गुरुदेव के एक बहुत ही सुंदर अनमोल ज्ञान के साथ। तो दोस्तों गुरुदेव कहते हैं कि जब किसी जंगल में बहुत तेज तूफान आ जाता है, तब जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनमें इस बात का अहंकार होता है कि वह इस तूफान से लड़ जाएंगे, और वह पेड़ खड़े रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लेकिन अंत में गिर जाते हैं। वहीं दोस्तों जो छोटी घास होती है वह उस तूफान के आगे झुक जाती है एवं खुद को बचाने का प्रयास करती है, और जैसे ही तूफान जाता है वह दोबारा खड़ी हो जाती है। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी परिस्थिति से लड़ता नहीं है। अगर आपको पता है कि सामने वाली परिस्थिति आपसे बड़ी है, आपसे भारी है, ऐसे में दोस्तों आपको परिस्थिति के हिसाब से ढल जाना चाहिए, उसी में आपकी जीत होती है। अगर आप फिजूल में बेवकूफों की तरह परिस्थिति से लड़ते रहोगे तो अंत में गिर जाओगे, इसीलिए खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढालना सीखे। बात सही लगी हो तो लाइक जरूर करना। दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों में नौकरी कर रहे जातकों को बहुत सारी खुशियां मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है, साथ ही आपको कोई बड़ी सफलता मिलने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार से जुड़े जातकों को भी काफी अच्छे खासे मुनाफे की प्राप्ति हो सकती है। खास तौर पर अगर आपका काम कपड़ों का है तो कोई बहुत बड़ा ऑर्डर हाथ लगने की संभावनाएं बन रही है। परंतु दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि काम काज अच्छा चल रहा है, धनराशि आ रही है, पैसा आ रहा है, तो अपने अंदर अहंकार की भावना बिल्कुल भी उत्पन्न ना होने दे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कभी कभी लोगों को लगता है कि क्या केवल दुख ही आपकी परीक्षा का समय होता है, सुख नहीं। वास्तव में दोस्तों सुख भी एक परीक्षा ही है। ऐसे में इस परीक्षा में जिस व्यक्ति में अहंकार आ जाता है वह जिंदगी में हार जाता है। इसीलिए दोस्तों गुरुदेव की यह बात हमेशा याद रखना कि आपके सुख के समय में आपको अहंकारी नहीं बनना है, आपको एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो सभी की सहायता करता हो, सभी की मदद करता हो, ना किसी से जलता हो, ना किसी की बुराई करता हो। अगर आपके अच्छे समय में आप एक ऐसा व्यक्ति बनेंगे तो भगवान परमेश्वर हमेशा आपका साथ देंगे। अब दोस्तों आपको बता दें कि अगर काफी लंबे समय से आपके जीवन में पैसों से जुड़ी कोई तकलीफ चल रही है, पैसों से जुड़ा कोई संकट चल रहा है,
तो आने वाले अगले 24 घंटे आपके लिए बेहतर साबित होंगे। आप अच्छी बचत कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले लंबे समय से ग्रह गोचर में काफी अद्भुत, काफी बेकार योग चल रहे थे, जिसके चलते जो भी धन, जो भी पैसा आप कमा कर लाते थे, बहुत पसीना बहाकर, बहुत मेहनत कर कर आप जो धनराशि कमाते थे, वह आपके पास टिक नहीं पा रही थी। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खर्च आ जाता था और आपका पैसा व्यर्थ में बह जाता था। परंतु दोस्तों अब ग्रह गोचर बदल चुके हैं, अब समय अच्छा है। अब आप देखेंगे कि जो धन, जो पैसा आप कमा रहे हैं, वह आपके पास लंबे समय तक टिकेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। घर का वातावरण भी दोस्तों शांत नजर आ रहा है। माता पिता के साथ आप अच्छा समय बिता पाएंगे। साथ ही आप देखेंगे कि आने वाले इन 24 घंटों में घर में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। जीवन साथी के साथ दोस्तों घूमने फिरने का मौका मिलता रहेगा। आज आप कुछ जरूरी खरीदारी भी कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि त्योहारों का समय है, ऐसे में खरीदारी पर आपका ध्यान ज्यादा रहेगा। विद्यार्थियों को बता दें, आने वाले इन 24 घंटों में आपको कड़ी मेहनत करने की सलाह दी जाती है। खास तौर पर अगर जल्द ही आपकी परीक्षाएं आने वाली है, तो आपको पढ़ाई लिखाई पर पूरा पूरा फोकस करना चाहिए। व्यर्थ की चीजों में यहाँ वहाँ घूम फिर कर अपना कीमती समय नष्ट ना करें। एवं दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि आपके माता पिता को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, उन्होंने आपसे बहुत सी आस लगाए रखी है। ऐसे में दोस्तों आपको उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। आपको उनकी बातें माननी होगी और उनके सभी सपनों को पूरा करना होगा। अब दोस्तों आपको बता दें, अगर आप बहुत लंबे समय से बेरोजगारी से परेशान चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आर्थिक स्थिति गिरी हुई है और आप खुद का कुछ व्यापार या फिर कुछ अलग काम शुरू करना चाहते हैं, तो दोस्तों बेशक कर सकते हैं। भाग्य का साथ मिल रहा है, ग्रह गोचर भी आपके साथ है। निश्चित रूप से दोस्तों आप जिस भी काम की शुरुआत करेंगे, उसमें बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति करेंगे और आपकी मेहनत अव्यर्थ नहीं जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सच्चे मन से आपके द्वारा की गई मेहनत आने वाले इन 24 घंटों में आपको बहुत अच्छे परिणाम देगी और आप जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस भी काम को करना चाहते हैं, उस काम में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों साझेदारी में काम कर रहे जातकों को बता दें, आपके लिए दोस्तों दिन बढ़िया है। साझेदार का साथ मिलेगा, आप दोनों के साथ से आप बहुत आगे बढ़ पाएंगे, अच्छी तरक्की कर पाएंगे। बस एक बात याद रखिएगा कि बिना किसी की अनुमति के कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने साझेदारी वाले व्यापार में कुछ निर्णय लेना चाहते हैं, कुछ फैसले लेना चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना कि आपके साझेदार की भी अनुमति आपको मिले। अगर दोनों की अनुमति, दोनों की सहमति से अगर आप फैसला लोगे, तो सही साबित होगा और उसमें जो प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा, उसके भी आप दोनों ही जिम्मेदार रहोगे। अन्यथा दोस्तों फायदा हो गया तो ठीक, अगर नुकसान हो गया तो आपके साझेदार के साथ आपके लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों पारिवारिक जीवन में खुशियां आती हुई नजर आ रही है। घर परिवार वालों का साथ एवं समर्थन आपको प्राप्त होगा। आपके किसी भी दुख में परिवार वाले आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि परिवार में आपको अच्छा वातावरण बनाकर रखना होगा। क्रोध पर ध्यान नहीं दे, खुद पर और अपने क्रोध पर काबू रखें और परिवार में खुशहाली लाने का प्रयास करें। तो दोस्तों यह थी कुछ खास, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ आवश्यक बातें जो कि थी आपके आने वाले दिन को लेकर। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि वीडियो में बताई गई सभी बातें आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी हो, सुनकर आनंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से जय माँ काली अवश्य लिखें। उसी के साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कुछ प्रश्न हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ दुविधाओं से अगर आप गुजर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। गुरुदेव आपकी सहायता करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।